ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य शक्तियाँ बुक सीरीज का नाम है स्नेह की शक्ति पार्ट टू अव्यक्तवाणी 26 जनवरी 70 एक स्नेह से दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति से कोई भी परिस्थितियों को सहज ही सामना करेंगे। सफलता के सितारे बनने के लिए यह दो गुण मुख्य मधुबन की सौगात ले जाना है। जैसे स्थूल मधु ले जाते हो ना, वैसे यह सूक्ष्म मधुरता की मधु ले जाना। फिर सफलता ही सफलता है, असफलता आपके जीवन से मिट जाएगी। सफलता का सितारा अपने मस्तक में चमकते हुए देखेंगे। इस संगम समय पर ही अनेक जन्मों का संबंध जोड़ना है। स्नेह है संबंध जोड़ने का साधन। जैसे कपड़े सिलाई करने का साधन धागा होता है, वैसे ही भविष्य संबंध जोड़ने का साधन है स्नेह रूपी धागा। जैसे यहाँ जोड़ेंगे वैसे वहाँ जुटा हुआ मिलेगा। जोड़ने का समय और स्थान यह है। ईश्वरीय स्नेह भी तब जुड़ सकता है जब अनेक के साथ स्नेह समाप्त हो जाता है। तो अब अनेक स्नेह समाप्त कर एक से स्नेह जोड़ना है। वह अनेक स्नेह भी परेशान करने वाले हैं और यह एक स्नेह सदैव के लिए परिपक्व बनाने वाला है। अनेक तरफ से तोड़ना और एक तरफ जोड़ना है। बिना तोड़े कभी जुट नहीं सकता। अभी कमी को भी भर सकते हो, फिर भरने का समय खत्म। ऐसे समझकर कदम को आगे बढ़ाना है। जितना अटूट स्नेह होगा उतना ही अटूट सहयोग मिलेगा। सहयोग नहीं मिलता इसका कारण स्नेह में कमी है। अटूट स्नेह रख करके अटूट सहयोग को प्राप्त करना है। अव्यक्तवाणी 23 मार्च 70 जितना स्नेही है उतना सहयोगी है, उतना ही शक्ति रूप भी है। जब स्नेह सहयोग और शक्ति तीनों की समानता होती है तब समाप्ति होती है। इस समय डबल ताजधारी हो कि भविष्य में बनेंगे। संगम पर डबल ताजधारी हो, कौन सा डबल ताज है? एक है स्नेह का, दूसरा है सर्विस का। सर्विस का ताज है जिम्मेवारी का ताज। वह स्थूल और वह सूक्ष्म है ना, स्नेह का ताज सूक्ष्म है। जो यहाँ डबल ताजधारी बनते हैं वह वहाँ भी डबल ताजधारी बनते हैं। बाप दादा डबल ताज देते हैं। अव्यक्तवाणी 26 मार्च 70 कोई को संपूर्ण स्नेह और संबंध में लाना, उसके लिए वृत्ति और दृष्टि की सर्विस हो। यह सर्विस एक स्थान पर बैठे हुए एक सेकंड में अनेकों की कर सकते हैं। यह प्रत्यक्ष सबूत देखेंगे। जैसे शुरू में बाप दादा का साक्षात्कार घर बैठे हुआ ना, वैसे अब दूर बैठे आपकी पावरफुल वृत्ति ऐसा कार्य करेगी जैसे कोई हाथ से पकड़कर लाया जाता है। कैसा भी नास्तिक तमोगुणी बदला हुआ देखने में आएगा। अब यह सर्विस करनी है, लेकिन यह सर्विस सफलता को तब पाएगी जब वृत्ति और बातों में क्लियर होगी। अव्यक्तवाणी
5th अप्रैल 70 बाप दादा का स्नेह कैसे प्राप्त होता है मालूम है। जितना जितना बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनते हैं उतना उतना स्नेह। कर्तव्य के सहयोग से स्नेह मिलता है ऐसा अनुभव है। जिस दिन कर्तव्य के अधिक सहयोगी होते हैं उस दिन स्नेह का विशेष अधिक अनुभव होता है। सदा सहयोगी सदा स्नेही ब्राह्मणों की लेन देन कौन सी होती है। स्नेह लेना और स्नेह देना। स्नेह देने से ही स्नेह मिलता है। स्नेह के देने लेने से बाप का स्नेह भी लेते और ऐसे ही स्नेही समीप होते हैं। स्नेह वाले दूर होते भी समीप हैं। बाप दादा के समीप आने लिए स्नेह की लेन देन करके समीप आना है। इस लेन देन में रात दिन बिताना है यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है तो ब्राह्मणों का लक्षण भी है। स्नेही बनने लिए क्या करना पड़ेगा। जितना जो विदेही होगा उतना वो स्नेही होगा। तो विदेही बनना अर्थात स्नेही बनना क्योंकि बाप विदेही है ना। ऐसे ही देह में रहते विदेही रहने वाले सर्व के स्नेही रहते हैं। यही नोट करना है कितना विदेही रहते हैं। एक है स्नेह शक्ति संबंध शक्ति सहयोग शक्ति सहन शक्ति। यह चार शक्तियां हैं तो संबंध भी समीप है। चारों समान हों स्नेह और शक्ति दोनों की आवश्यकता है। शक्ति रूप से विजयी और स्नेह रूप से संबंध में आते हो। अगर शक्ति नहीं होती तो माया पर विजय नहीं पाते हो। इसलिए शक्ति रूप से विजयी और स्नेह रूप से संबंध भी चाहिए। दोनों चाहिए। बाप को सर्वशक्तिमान और प्यार का सागर भी कहते हैं तो स्नेह और शक्ति दोनों चाहिए। अव्यक्तवाणी 28th May 70। सदैव एक दो के स्नेही और सहयोगी भी बनकर चलेंगे तो सफलता का सितारा आप सभी के मस्तिष्क पर चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। कहाँ भी स्नेह व सहयोग देने में कमी नहीं करना। स्नेह और सहयोग दोनों जब आपस में मिलते हैं तो शक्ति की प्राप्ति होती है। जिस शक्ति से फिर सफलता प्राप्त होती है। इसलिए इन दोनों बातों का ध्यान रखना। जो आपके जड़ चित्रों का गायन है कि देवियां एक नज़र से असुरों का संहार कर देती वैसे एक सेकंड में कोई भी आसुरी संस्कार का संहार करने वाली संहारकारी मूर्त बनना है। अव्यक्तवाणी 7th June 70। सदैव यह याद रखो कि स्नेह में संपूर्ण होना है। कोई मुश्किल नहीं है। स्नेही को सुध-बुध रहती है। जब अपने आप को मिटा ही दिया फिर यह मुश्किल क्यों। मिटा दिया ना। जो मिट जाते हैं वह जल जाते हैं। जितना अपने को मिटाना उतना ही अव्यक्त रूप से मिलना। मिटना कम तो मिलना भी कम। विनाश के पहले अगर स्नेह के साथ सहयोगी बनेंगे तो वर्षे के अधिकारी बनेंगे। विनाश के समय भल सभी आत्माएं पहचान लेंगी लेकिन वर्षा नहीं पा सकेंगी क्योंकि सहयोगी नहीं बन सकेंगी। अव्यक्तवाणी
18 जून 70। अगर बाप के स्नेही हो, संपर्क भी है, तो संस्कार क्यों नहीं मिलते? फिर बाप दादा कहेंगे कि माया के स्नेही हो। अगर 2 घंटे बाप के स्नेही और 22 घंटा माया के स्नेही रहते हो तो क्या कहेंगे? सर्विस करते भी स्नेह को, संपर्क को ना छोड़ो। संपूर्ण स्टेज तो नज़दीक रहने की है। एक गीत भी है ना, ना वो हमसे जुदा होंगे। जब जुदा ही नहीं होंगे तो स्नेह दिल से कैसे निकलेगा? तो होना निरंतर चाहिए। अव्यक्तवाणी 19 जून 70। बाप दादा बच्चों से जितना अविनाशी स्नेह करते हैं, उतना बच्चे अविनाशी स्नेह रखते हैं। यह अविनाशी स्नेह, यही एक धागा है जो 21 जन्मों के बंधन को जोड़ता है। सो भी अटूट स्नेह, जितना पक्का धागा होता है उतना ही ज़्यादा समय चलता है। यह संगम का समय 21 जन्मों को जोड़ता है। अव्यक्तवाणी 2 जुलाई 70। जैसे बाप दादा विश्व के स्नेही और सहयोगी बने, वैसे बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। तब विश्व महाराजन की जो पदवी है उसमें आने के अधिकारी बन सकते हो। अव्यक्तवाणी 6 अगस्त 70। सर्वस्नेही बनने के लिए पहले न्यारा बनना है। सर्विस करते हुए, संकल्प करते हुए भी अपने को और दूसरों को भी महसूसता ऐसी आनी चाहिए कि यह न्यारा और अति प्यारा है। जितना जो स्वयं न्यारा होगा उतना औरों को बाप का प्यारा बना सकेंगे। सर्विस की सफलता का स्वरूप यही है कि सर्व आत्माओं को बाप के स्नेही और बाप के कर्तव्य में सहयोगी और पुरुषार्थ में उन आत्माओं को शक्ति रूप बनाना। यह है सर्विस की सफलता का स्वरूप। जिन आत्माओं की सर्विस करो उन आत्माओं में यह तीनों ही क्वालिफिकेशन प्रत्यक्ष रूप में देखने में आनी चाहिए। अगर तीनों में से कोई भी गुण की कमी है तो सर्विस की सफलता की भी कमी है। जैसे कहते हैं छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड, लेकिन सभी को बड़ा समझ रिगार्ड देना यही सर्व के स्नेह को प्राप्त करने का साधन है। यह बात भी विशेष ध्यान देने योग्य है। हर बात में पहले आप, यह वृत्ति, दृष्टि और वाणी तथा कर्म में लानी चाहिए। जितना पहले आप कहेंगे उतना ही विश्व के बाप समान बन सकेंगे। अव्यक्तवाणी 22 अक्टूबर 70। जो आदि रत्न होते हैं उन्होंने आदि देव का विशेष स्नेह होता है, तो आदि को अनादि बनाओ। जब अनादि बन जाएंगे तो फिर माया की आकर्षण नहीं होगी, समस्याएं सामने नहीं आएंगी। जब बाप का स्नेह स्मृति में रहेगा तो सर्वशक्तिमान के स्नेह के आगे समस्या क्या है? कहाँ वह स्नेह और कहाँ समस्या? वह राई, वह पहाड़, इतना फर्क है। तो अनादि रत्न बनने के लिए सर्वशक्तिमान की शक्ति और स्नेह को सदैव साथ रखना है। अपने को अकेला कभी भी नहीं समझो। साथी के बिना
जीवन का एक सेकंड भी ना हो। जो स्नेही साथी होते हैं वह अलग नहीं होते हैं। साथी को साथ ना रखने से, अकेला होने से माया जीत लेती है। अव्यक्तवाणी 23 अक्टूबर 70। पुरुषार्थ में कमजोरी के दो कारण हैं। बाप के स्नेही बने हो लेकिन बाप को साथी नहीं बनाया है। अगर बाप दादा को सदैव साथी बनाओ तो जहाँ बाप दादा साथ हैं वहाँ माया दूर से मूर्छित हो जाती है। अव्यक्तवाणी 29 अक्टूबर 70। सदैव बुद्धि में बाप दादा की स्मृति व निशाना और आने वाले राज्य के नज़ारे नैनों में और मुख में सदैव बाप दादा का नाम हो। इसको कहते हैं बाप दादा के अति स्नेही और समीप रतन। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 71। स्नेह द्वारा कोई भी वरदाता से वर प्राप्त हो सकता है। समझा, पुरुषार्थ द्वारा नहीं लेकिन स्नेह द्वारा। अव्यक्तवाणी 21 जनवरी 71। साकार स्नेही हो या निराकार स्नेही हो, निराकार स्नेही जो होते हैं उनकी यह विशेषता ज़्यादा होती है कि वह निराकारी स्थिति में ज़्यादा स्थित होंगे। साकार स्नेही चरित्रवान होंगे, उनका एक एक चरित्र सर्विसेबल होगा। दूसरा, वह औरों को भी स्नेह में ज़्यादा ला सकेंगे। निराकारी निरअहंकारी दोनों समान चाहिए। एक है सर्विस का बल, दूसरा है स्नेह का बल। इसलिए एक्स्ट्रा बल मिलने कारण विशेष सर्विस हो रही है। जो स्वयं में शारीरिक के हिसाब से शक्ति नहीं समझते हैं लेकिन यह बल होने के कारण जैसे और कोई चला रहा है ऐसा अनुभव करते हैं। अव्यक्तवाणी 11 फरवरी 71। आपके बाप शब्द में इतना स्नेह और शक्ति भरी हुई हो जो यह शब्द ज्ञान अंजन का काम करे, अनाथ को सनाथ बना दे। इस एक शब्द में इतनी शक्ति भरो। अव्यक्तवाणी 1 मार्च 71। स्नेही सदैव सुकर्मी होते हैं। कोई भी ऐसा कर्म ना हो यह सदैव स्मृति में रखना, क्योंकि आप सभी सृष्टि के स्टेज पर हीरो एक्टर्स हो, तो हीरो एक्टर्स पर सभी की निगाह होती है। इसलिए अपने को प्रवृत्ति में रहने वाली ना समझ, स्टेज पर हीरो एक्टर समझकर हर कर्म करती चलेंगी तो कोई भी ऐसा कर्म नहीं हो सकेगा। एक एक माता जगत माता बनकर जगत की आत्माओं के ऊपर तरस स्नेह और कल्याण की भावना रखो। माताओं के साथ सभी से ज़्यादा स्नेह है, क्योंकि माताओं ने दुख बहुत सहन किए हैं, इसलिए पुकारा भी ज़्यादा माताओं ने है। तो बहुत दुख सहन करने के कारण, मारे सहन करने के कारण, थकी हुई होने के कारण बाप स्नेह से पांव दबाते हैं। गायन है ना, माताओं के पांव दबाए। पांव कोई स्थूल नहीं लेकिन
माताओं के विशेष स्नेह के पांव दबाते हैं। स्वयं को सर्विस में बिजी रखो तो माया के वार से बच जाएंगे। इन्हों को स्नेह और साहस देना है। सिर्फ स्नेह नहीं याद रखना, लेकिन साहस भी जो दिया है वह भी याद रखना। अच्छा, अव्यक्तवाणी 13 मार्च 71। अगर सर्व से सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो योगी बनो। योगी को सहयोग क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि बीज से योग लगाते हो। बीज से कनेक्शन अथवा स्नेह होने के कारण स्नेह का रिटर्न सहयोग प्राप्त हो जाता है। तो बीज से योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त कर लेता है। बंधन मुक्त होने के लिए योग युक्त होना है, और योग युक्त बनने से स्नेह और सहयोग युक्त बन जाते हैं। तो ऐसे बंधन मुक्त बनो। अव्यक्तवाणी 8 जून 71। जिस समय कोई आत्मा में नए दैवी संस्कारों की रचना कराती हो, उस समय बनती हो ज्ञान मूर्त, और जिस समय पालना कराती हो तो उस समय रहम और स्नेह दोनों मूर्ति की आवश्यकता है। अगर रहम नहीं आता है तो स्नेह भी नहीं। तो पालना के समय एक रहम दिल और स्नेह मूर्त। कोई में अगर रुहाब की कमी है तो पालना कर सकती हो, लेकिन उनके संस्कारों को नाश नहीं कर सकती। सिर्फ तरस और स्नेह है तो विनाश कराने का कर्तव्य नहीं। स्नेह रहम नहीं तो पालना का कर्तव्य नहीं। रुहाब सैदा है लेकिन रहम कम है, तो पालना में इतना मददगार नहीं। लेकिन कोई के विकर्मों का नाश कराने में मददगार है। और फिर नॉलेजफुल नहीं है तो नए संस्कारों की रचना नहीं करा सकती। कोई में कौन सा विशेष गुण है, कोई में कौन सा विशेष गुण है, लेकिन चाहिए तीनों ही। अगर तीनों में ही प्रैक्टिकल में समानता है तो फिर सफलता बहुत जल्दी मिलती है। नहीं तो कोई बात की कमी होने कारण जो संपूर्ण सफलता होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए उसमें टाइम लग जाता है। तो अभी लक्ष्य यह रखना है कि तीनों कर्तव्य करने के लिए यह मुख्य गुण मूर्त बनना है। अव्यक्तवाणी 29 जून 71। जैसे आप लोग शुरू में जब सर्विस पर निकले तो नॉलेज की शक्ति तो कम थी, लेकिन सफलता किस शक्ति के आधार से हुई? त्याग और स्नेह, बुद्धि की लगन, दिन रात बाबा और यज्ञ की तरफ थी। जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ। इसी स्नेह ने ही सभी को सहयोग में लाया। इसी स्नेह की शक्ति से ही केंद्र बने। तो आदि स्थापना में जिस शक्ति ने सहयोग दिया, अंत में भी वही होना है। पहले साकार स्नेह से ही मन मनाभव बने। साकार स्नेह ने ही सहयोगी बनाया व त्याग कराया। संगठन और स्नेह की शक्ति से घेराव डालना है। अभी देखो, बाहर विलायत में भी सर्विस की सफलता का मूल कारण
स्नेही और सहयोगी बनने का घेराव है। ज्ञान का प्रैक्टिकल सबूत यही स्नेह और संगठन की शक्ति है। सर्विस की सफलता का मूल आधार यह है। अव्यक्त वाणी 4 जुलाई 71। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन है बाप का हाथ और साथ। यह तो सहज है ना, फिर चाहे बाप स्मृति में आए चाहे दादा स्मृति में आए। बाप की स्मृति आएगी तो साथ में दादा की भी रहेगी ही, दादा की स्मृति से बाप की स्मृति भी रहेगी, अलग नहीं हो सकते। अगर साकार स्नेही बन जाते हो तो भी और सभी से बुद्धि टूट जाएगी ना। साकार स्नेही बनना भी कम बात नहीं, साकार स्नेही भी सर्व स्नेह से संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देता है। तो अनेक तरफ से तोड़, एक तरफ जोड़ने का साधन तो है ना। साकार से निराकार तरफ याद आएगा। साकार से स्नेह भी तब पैदा हुआ जब बाप दादा दोनों का साथ हुआ ना। अगर बाप दादा का साथ ना होता तो साकार इतना प्रिय थोड़ा ही होता। जैसे बाप दादा दोनों साथ साथ हैं, वैसे आपकी याद भी साथ साथ हो जाएगी। ऐसे कभी नहीं समझना कि मुश्किल है, सहज योगी बनो। अव्यक्त वाणी 19 जुलाई 71। आकर्षण मूर्त बनने के लिए क्या करना पड़े? सिंपल बनना पड़े। यहाँ दैवी संबंध में भी अगर कोई सिंपल नहीं बनता, प्रॉब्लम बन जाता है, तो रिजल्ट क्या होती है? स्नेह और सहयोग से वंचित रह जाते हैं। जो साधारण सिंपल होते हैं उसकी तरफ ना चाहते हुए भी सभी को स्नेह और सहयोग देने की शुभ भावना होगी तो सर्व स्नेही व सर्व से सहयोग प्राप्त करने के लिए व सर्व के सहयोगी बनने के लिए सिंपल बनना बहुत आवश्यक है। अव्यक्त वाणी 19 अगस्त 71। जैसे संस्कारों की समानता के कारण कोई सखी बन जाती है, ऐसे निंदा करने वाले को भी उस स्नेह और सहयोग की दृष्टि से देखना है। संस्कारों के समानता वाली सखी और ग्लानि करने वाली, दोनों के लिए अंदर स्नेह और सहयोग में अंतर ना हो, इसको कहा जाता है अपकारी पर उपकार की दृष्टि अथवा विश्व कल्याणकारी बनना। ऐसी स्थिति अब बन जाती है तो समझो संपूर्णता के समीप है। विश्व महाराजन बनना है तो जो दैवी परिवार की आत्माएं भविष्य के विश्व में आने वाली हैं, अर्थात यह छोटा सा परिवार जो विश्व राज्य के अधिकारी बनने वाले हैं, इन सभी आत्माओं के ऊपर अब से ही स्नेह का राज करना है, ऑर्डर नहीं चलाना है। अभी से विश्व महाराजन नहीं बन जाना है, अभी तो विश्व सेवाधारी बनना है। स्नेह देना ही भविष्य के लिए जमा करना है। यह भी देखना है कि अपने भविष्य के खाते में यह स्नेह कितना जमा किया है। ज्ञान देना सरल है, लेकिन विश्व महाराजन बनने के लिए सिर्फ ज्ञानदाता नहीं बनना है,
इसके लिए स्नेह देना अर्थात सहयोग देना है। जहाँ स्नेह होगा वहाँ सहयोग अवश्य होगा। अगर यह हाई जंप दे दिया तो सभी बातों में श्रेष्ठ सहज ही बन जाएंगे। अव्यक्तवाणी 20 सितंबर 71। सदा बाप के स्नेह और सहयोग में रहने से सर्व आत्माएं आपके स्नेह में सहयोगी स्वतः ही बन जाएंगी। सुनाया था ना कि आज आत्माओं को सर्व अल्पकाल के सुख शांति के साधन हैं, लेकिन सच्चा स्नेह नहीं है। स्नेह की भूखी आत्माएं हैं। अन्न और धन शरीर के तृप्ति का साधन है, लेकिन आत्मा की तृप्ति रूहानी स्नेह से हो सकती है। वह भी अविनाशी हो तो स्नेही ही स्नेह का दान दे सकते हैं। अगर स्वयं भी सदा स्नेही नहीं होंगे तो अन्य आत्माओं को भी सदा काल का स्नेह नहीं दे सकेंगे। इसलिए सदा स्नेही बनने से स्नेही स्नेह में आकर स्नेही के प्रति सभी कुछ न्यौछावर व अर्पण कर ही देते हैं। स्नेही को कुछ भी समर्पण करने लिए सोचना व मुश्किल होना नहीं होता है। तो इतनी जो बहुत बातें सुनते हो, बहुत मर्यादाएं व नियम सुनते सुनते यह भी सोचने लगते हो कि इतना सभी करना पड़ेगा, लेकिन यह सभी करने के लिए सभी से सहज युक्ति व सर्व कमजोरियों से मुक्ति की युक्ति यही है कि सदा स्नेही बनो। जिसके स्नेही हैं उसी स्नेही के निरंतर संग से रूहानियत का रंग सहज ही लग जाता है। अगर एक एक मर्यादा को जीवन में लाने का प्रयत्न करेंगे तो कहाँ मुश्किल कहाँ सहज लगेगा। और इसी प्रैक्टिस में व इसी कमजोरी को भरने में ही समय बीत जाएगा। इसलिए अब 1 सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बनो। कैसे बनेंगे? सिर्फ सदा स्नेही बनने से, बाप का सदैव स्नेही बनने से, बाप द्वारा सदा सहयोग प्राप्त होने से मुश्किल बात सहज हो जाती है। जो सदा स्नेही होंगे उनकी स्मृति में भी सदा स्नेही ही रहता है। उनकी सूरत से सदा स्नेही की मूर्त प्रत्यक्ष दिखाई देती है। जैसे लौकिक रीति से भी अगर कोई आत्मा किस आत्मा के स्नेह में रहती है तो फौरन ही देखने वाले अनुभव करते हैं कि यह आत्मा किसके स्नेह में खोई हुई है। तो क्या रूहानी स्नेह में खोई हुई आत्माओं की सूरत स्नेही मूर्त को प्रत्यक्ष नहीं करेगी? उनके दिल का लगाव सदैव उस स्नेही से लगा हुआ रहता है। तो एक ही तरफ लगाव होने से अनेक तरफ का लगाव सहज ही समाप्त हो जाता है। और तो क्या, लेकिन अपने आप का लगाव अर्थात देह अभिमान अपने आप की स्मृति से भी सदैव स्नेही खोया हुआ होता है। तो सहज युक्ति व विधि जब हो सकती है तो क्यों नहीं सहज युक्ति विधि से अपनी स्टेज की स्पीड में वृद्धि लाती हो। सदा स्नेही एक सर्वशक्तिमान के स्नेही होने कारण सर्व आत्माओं के स्नेही स्वतः बन जाते हैं।
इस राज को जानने से राजयुक्त, योगयुक्त व दिव्य गुणों से युक्ति युक्त बनने के कारण राजयुक्त आत्मा सर्व आत्माओं को अपने आप से सहज ही राजी कर सकती है। अव्यक्तवाणी 27 सितंबर 71। सभी से बड़ी ते बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर है। और किसकी इतनी बड़ी जिम्मेवारी है जितनी आपकी इस समय है? तो सारे विश्व का कल्याण, जड़ चैतन्य दोनों को परिवर्तन करना है। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, तो हर समय यह स्मृति रहे कि बाप ने इस समय कौन सी ड्यूटी दी है। एक आँख में बाप का स्नेह, दूसरी आँख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य अर्थात सेवा। तो स्नेह और सेवा दोनों साथ साथ चाहिए। स्नेह भी प्रिय है, लेकिन सर्विसेबल ज्ञानी तो आत्मा अति प्रिय है। तो दोनों ही साथ साथ चाहिए। अपनी स्थिति जब दोनों की साथ साथ स्मृति होगी, तब ही सर्विस करने के समय स्नेही मूर्त भी होंगे। लेकिन सिर्फ स्नेह भी नहीं चाहिए, स्नेह के साथ और क्या चाहिए? शक्ति रूप। शक्ति रूप तो होंगे ही, लेकिन शक्ति रूप का प्रत्यक्ष रूप क्या दिखाई देगा? सर्विस की रिजल्ट में नंबर किस आधार पर होते हैं? क्योंकि वाणी में जौहर भरा हुआ है, अर्थात स्नेह के साथ शब्दों में ऐसा जौहर होना चाहिए जो उन्हों के हृदय विदीर्ण हो जाएं। अभी तक रिजल्ट क्या है? या तो बहुत जौहर दिखाती हो व बहुत स्नेह दिखाती हो, या तो बिल्कुल ही हल्के रूप में बोलेंगे या बहुत जोश में बोलेंगे। लेकिन होना क्या चाहिए? एक एक शब्द में स्नेह की रेखाएं होनी चाहिए। फिर भले कैसे भी कड़वे शब्द बोलेंगे तो हृदय में लगेंगे जरूर, लेकिन वह शब्द कड़वे नहीं लगेंगे, यथार्थ लगेंगे। अभी अगर शब्द तेज बोलते हैं तो रूप में भी तेजी का भाव दिखाई देता, जिससे कई लोग यही कहते हैं कि आप लोगों में अभिमान है व अपमान करते हो। लेकिन एक तरफ ठोकते जाओ, दूसरे तरफ साथ साथ स्नेह भी देते जाओ, तो आपके स्नेह की मूर्त से अपना तिरस्कार महसूस नहीं करेंगे, लेकिन यह अनुभव करेंगे कि हम आत्माओं के ऊपर तरस है। तिरस्कार की भावना बदल तरस महसूस करेंगे। तो दोनों साथ साथ चाहिए ना। कहते हैं ना, मखमल की जुत्ती लगानी होती है। तो सर्विस के साथ अति तरस भी हो और फिर साथ साथ जो अयथार्थ बातें हैं उनको यथार्थ करने की खुशी भी होनी चाहिए। बातें सभी स्पष्ट देनी है, लेकिन स्नेह के साथ। स्नेह मूर्त होने से उन्हों को जगत माता के रूप का अनुभव होगा। जैसे माँ बच्चे को भले कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है, तो माँ के स्नेह के कारण वह शब्द तेज व कड़वे महसूस नहीं होते। अंतर्मुखी रहो तो बाहर की बातें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। समझते हैं, माँ हमारी स्नेही है, कल्याणकारी है। वैसे ही
आप भले कितना भी स्पष्ट शब्दों में बोलेंगे लेकिन वह महसूस नहीं करेंगे। तो ऐसे दोनों स्वरूप के समानता की सर्विस करनी है, तब ही सर्विस की सफलता समीप देखेंगे। स्नेह के साथ सर्विस का जोश भी होना चाहिए। जैसे शुरू में स्नेह भी था और जोश भी था, निर्भय थे वातावरण व वायुमंडल के आधार से परे, इसलिए एकरस सर्विस का उमंग और जोश था। अभी वायुमंडल व वातावरण देख कहाँ कहाँ अपनी रूपरेखा बदल देते हो, इसलिए सफलता कब कैसे दिखाई देती है। जबकि कलयुग अंत की आत्माएं अपनी सत्यता को प्रसिद्ध करने में निर्भय होकर स्टेज पर आती हैं, तो पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं अपने को सत्य प्रसिद्ध करने में वायुमंडल प्रमाण रूपरेखा क्यों बनाती हैं। अव्यक्तवाणी 9 अक्टूबर 71। जहाँ देखेंगे निमित्त बनी हुई आत्माएं सिर्फ स्नेह मूर्त हैं, तो उन्हों की रचना में भी समस्याओं को सामना करने की शक्ति कम होगी। यज्ञ व दैवी परिवार के स्नेही सहयोगी होंगे लेकिन सामना नहीं कर सकेंगे। कारण रचता का प्रभाव रचना पर पड़ता है। अभी जो भी आत्माएं आगे बढ़ते बढ़ते अब जहां तक पहुंच गई हैं, उससे आगे बढ़ाने के लिए विशेष आत्माओं को विशेष क्या करना है। जिन आत्माओं के निमित्त बने हो उन आत्माओं में भी शक्ति रूप से शक्ति भरने की आवश्यकता है। अभी जगत माता बहुत बने, अब शक्ति रूप से स्टेज पर आना है। शक्तियाँ आसुरी संस्कारों को एक धक से ख़त्म करती हैं और स्नेही माँ जो होती है वह धीरे धीरे प्यार से पालना करती है। पहले वह आवश्यकता थी लेकिन अभी आवश्यकता है शक्ति रूप बन आसुरी संस्कारों को एक धक से ख़त्म करना। जैसे अभी सब अनुभव करते हैं कि यह दो निमित्त हैं, दादी दीदी, परंतु यह दो नहीं एक दिखाई देती हैं। सब प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, एक दो के समीप आते आते समान होते जाते हैं। तो जैसे यह दो एक दिखाई देती हैं वैसे यह सब एक दिखाई दे, तब कहेंगे अब माला तैयार है, स्नेह का धागा तैयार हो गया, तो मणके सहज पिरो जाएंगे। स्नेह के धागे से मोती अति समीप होते हैं, तब ही माला बनती है, समीपता ही माला बनाती है। तो स्नेह का धागा तैयार हुआ लेकिन अभी मणकों को एक दो के समीप मन की भावना और स्वभाव मिलाना है, तब माला प्रत्यक्ष दिखाई देगी। यह जरूर करना है, ऐसी कमाल कर दिखाना। अव्यक्तवाणी 18 अक्टूबर 71। विशेष आत्माओं को खास अपने यादगार के दिन साक्षात्कार मूर्त बन साक्षात बाप दादा समान आत्माओं के प्रति अपने कल्याण की भावना से अपने रूहानी स्नेह के स्वरूप से
अपने सूक्ष्म शक्तियों द्वारा आत्माओं में बल भरना चाहिए। अव्यक्तवाणी 1 नवंबर 71 विशेष बाप दादा का इस नई फुलवाड़ी पर स्नेही आत्माओं पर विशेष स्नेह और सहयोग है। इसी बाप के सहयोग को सहज योग के रूप में धारण करते चलो। यही वरदान थोड़े समय में हाई जंप दिला सकता है। सिर्फ सदा यही स्मृति में रखो कि मुझ आत्मा का इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट है। कौन सा? सर्वशक्तिवान बाप सहयोगी है। जिसका सहयोगी सर्वशक्तिवान है तो क्या वह हाई जंप नहीं दे सकता? सहयोग को सहज योग बनाओ। अव्यक्तवाणी 15 मार्च 72। आज खास दूर देश से आने वालों के लिए दूर देश से बाप भी आए हैं, तो जिससे स्नेह होता है तो स्नेही के स्नेह में त्याग कोई बड़ी बात नहीं होती है। विकारों के स्नेह में आकर अपनी शुद्ध बुद्ध का भी त्याग, तो अपने शरीर का भी त्याग किया। बच्चों के स्नेह में माँ तन का भी त्याग करती है ना। जब देहधारी के संबंध के स्नेह में अपना ताज तख्त और अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया ना, तो जब अभी बाप के स्नेही बने हो तो क्या यह देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते हो? मुश्किल है? सोचना चाहिए कि अल्पकाल के संबंध में इतनी शक्ति थी जो ऊपर से नीचे ला दिया। ऊपर से नीचे इसलिए आए हो ना, और अब बाप जब कहते हैं और बाप से सर्व संबंध जोड़े हैं, तो क्या बाप के स्नेह में यह उल्टा देह अभिमान का त्याग कोई बड़ी बात है? छोटी बात है ना, फिर भी क्यों नहीं कर पाते हो? यह तो 1 सेकंड में कर देना चाहिए। बच्चा अगर 1 मास बीमार होता है तो माँ का जो अल्पकाल का संबंध है, देह का संबंध है, फिर भी माँ 1 मास के लिए सब कुछ त्याग कर देती है। देह की स्मृति सुख त्याग करने में देरी नहीं करती, मुश्किल भी नहीं समझती है। तो यहाँ क्या करना चाहिए? यहाँ तो सदा काल का संबंध और सर्व संबंध है, सर्व प्राप्ति का संबंध है। तो यहाँ 1 सेकंड भी त्याग करने में देरी नहीं करनी चाहिए। अव्यक्तवाणी 9 मई 72। सदा सहयोगी व सदा स्नेही उसको कहते हैं जिसका 1 सेकंड भी बाप के साथ स्नेह ना टूटे व 1 सेकंड एक संकल्प भी सिवाय बाप के सहयोगी बनने के ना जाए। तो ऐसे अपने को सदा स्नेही और सहयोगी समझते हो व अनुभव करते हो? बाप दादा के स्नेह का सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है। तो बच्चे भी जो बाप समान हैं, उन्हों का भी स्नेह और सहयोग का सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई दे रहा है। स्नेही आत्मा का स्नेह कब छिप नहीं सकता। कितना भी कोई अपने स्नेह को छिपाने चाहे,
लेकिन स्नेह कब गुप्त नहीं रहता। स्नेह किस ना किस रूप में, किस ना किस कर्तव्य से व सूरत से दिखाई अवश्य देता है। तो अपनी सूरत को दर्पण में देखना है कि मेरी सूरत से स्नेही बाप की सीरत दिखाई देती है। जैसे अपनी सूरत को स्थूल आईना में देखते हो, वैसे ही रोज अमृत वेले अपने आप को इस सूक्ष्म दर्पण में देखते हो। जैसे लक्षणों से हर आत्मा के लक्ष्य का मालूम पड़ जाता है, वह जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण स्वतः ही होते हैं। तो ऐसे अपने लक्षणों से लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप में कहाँ तक दिखाते हो, अपने आप को चेक करते हो। किसी भी आत्मा को अपने फीचर से उस आत्मा का व अपना फ्यूचर दिखा सकते हो। लेक्चर से फीचर्स दिखाना तो आम बात है, लेकिन फीचर से फ्यूचर दिखाना यही अलौकिक आत्माओं की अलौकिकता है। जैसे बाप का बच्चों प्रति इतना स्नेह है, जो सारी सृष्टि की आत्माएं बच्चे होते हुए भी जिन्होंने प्रीत की रीति निभाई है वह प्रीत बुद्धि बने हैं, ऐसे प्रीत की रीति निभाने वालों से इतनी प्रीत की रीति निभाई है जो अन्य सभी आत्माओं को अल्पकाल का सुख प्राप्त होता है, लेकिन प्रीत की रीति निभाने वाली आत्माओं को सारे विश्व के सर्व सुखों की प्राप्ति सदा काल के लिए होती है। सभी को मुक्ति धाम में बिठाकर प्रीत की रीति निभाने वाले बच्चों को विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त कराते हैं। ऐसे स्नेही बच्चों के सिवाय और कोई से भी सर्व संबंधों से सर्व प्राप्ति का पार्ट नहीं। ऐसे प्रीत निभाने वाले बच्चों के दिन रात गुणगान करते हैं, जिससे अति स्नेह होता है। तो उस स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सभी कुछ उनके अर्पण करते हैं। यह है स्नेह का सबूत। तो सदा स्नेही और सहयोगी बच्चों के सिवाय अन्य सभी आत्माओं को मुक्ति धाम में किनारे कर देते हैं। तो जैसे बाप स्नेह का प्रत्यक्ष सबूत दिखा रहे हैं, ऐसे अपने आप से पूछो, सर्व संबंध सर्व आकर्षण करने वाली वस्तुओं को अपनी बुद्धि से किनारे किया है? सर्व रूपों से, सर्व संबंधों से, हर रीति से सभी कुछ बाप के अर्पण किया है? सिवाय बाप के कर्तव्य के एक सेकंड भी और कोई व्यर्थ कार्य में अपना सहयोग तो नहीं देते हो? अगर स्नेह अर्थात योग है तो सहयोग भी है। जहाँ योग है वहाँ सहयोग है। एक बाप से ही योग है तो सहयोग भी एक के ही साथ है, योगी अर्थात सहयोगी। अव्यक्तवाणी 9 मई 72। सदा स्नेही के प्रति जो अति प्रिय चीज होती है वही दी जाती है। तो अपने आप से पूछो कि कहाँ तक प्रीत की रीति निभाने वाले बने हैं। अपने को सदा हाईएस्ट और होलीएस्ट समझकर चलते हो? जो हाईएस्ट समझकर चलते हैं
उन्हों का एक एक कर्म, एक एक बोल इतना ही हाईएस्ट होता है जितना बाप हाईएस्ट अर्थात ऊंचे ते ऊंच है। बाप की महिमा गाते हैं ना, ऊंचा उनका नाम, ऊंचा उनका धाम, ऊंचा काम। तो जो हाईएस्ट है वह भी सदैव अपने ऊंच नाम, ऊंचे धाम और ऊंचे काम में तत्पर हो। कोई भी निचाई का कार्य कर ही नहीं सकते हैं। ओम शांति।